वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। रोड़ेबाजी में ट्रेन नंबर 22350 वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच में पथराव किया गया है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए हैं, इससे काफी नुकसान हुआ है। बोगी नंबर E1 में सीट नंबर 5 और 6 के पास का खिड़की का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। हालांकि राहत की बात है कि ट्रेन में बैठे किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाई क्लास ट्रेन में सुरक्षा में चूक को लेकर कई सवाल भी हैं। आधिकारिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा गया है, आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है कि किसने और क्यों पत्थरबाजी की है। तो तस्वीर जहां देखिए शीशे आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव और पथराव की ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे में लगातार जांच की बात भी कही जाती है। ट्रेन पर जब पथराव होता है उसके लिए कानून भी है और सजा का कड़ी सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये जो असामाजिक तत्व है उनकी पहचान की कोशिश हो रही है। देखिए रांची से पटना तक चलने वाली सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन में शीशा टूटने की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि रांची से जो है पटना की और वंदे भारत ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान चरही से बेस के बीच में जो है पथराव होता है और उसके बाद बोगी नंबर E1 का जो सीट नंबर 5 और 6 है उसी बीच का जो है वो शीशा टूट जाता है। बताया भी जाता है कि यह जो पथराव है अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया है और इसकी सूचना जो है वो RPF को दी गई है। RPF जो है अपने स्तर से इस पर छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे पथराव हुआ, पथराव होने के बाद जो है वो शीशा में दरार आई है। हालांकि इसकी इस घटना को लेकर है अभी तक जो है सभी हालात जो है वो सामान्य बताए जा रहे हैं, किसी तरह का कोई हताहत की खबर नहीं है और जो यात्री यात्रा कर रहे थे वो अभी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुशांत सोनी न्यूज 18 हजारीबाग। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा होता कि तेजस्वी अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े जारी करते, जब अपराध तो होता ही था, सीएम आवास पर समझौते भी होते थे। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। बेकार की बात है, वो दिखावा किया है, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। क्या है सबूत, क्या है ये सब खाली इधर का उधर इधर। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता, खौफ में IAS आम आदमी की क्या विषाद। बिहार में आजकल क्राइम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, लोकसभा चुनाव में लाख